science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! 14 billion years पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, द बिग बैंग, और ये वही एक्सप्लोजन था जिससे हमारा यूनिवर्स बना। फिर 10 बिलियन ईयर्स बाद प्लैनेट अर्थ, आपने शायद नाम सुना ही होगा, लेकिन ये अर्थ जिसे हम अपना घर कहते हैं अभी, तब बहुत ही अलग था। उस पर कोई लाइफ नहीं थी। अर्थ के बनने के बाद भी सिर्फ कुछ 800 मिलियन साल पहले ही फर्स्ट सेल, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, वो अपीयर हुआ था। उस टाइम पर अकेला सेल होने के कारण इस सेल ने अर्थ पर कम से कम अगले 1.5 बिलियन ईयर्स तक रूल किया। लेकिन टाइम के साथ साथ उसे रियलाइज हुआ कि वो परफेक्ट नहीं है, और इसीलिए उसे अपग्रेड होना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों था। इमेजिन कि आप एक ऐसे घर में रहते हो जिसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा रूम है, जिसमें कोई पार्टीशंस नहीं है। इसी सेम रूम पे आपकी मम्मी खाना बना रही है, पापा और रिलेटिव्स बैठकर टीवी देख रहे हैं, आपका छोटा भाई बाथटब में नहा रहा है, और आपके फ्रेंड्स खेल रहे हैं, और आप एक कॉर्नर में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिन करो कितना कैओस होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कुछ इस रूम जैसा ही है, जिसमें कोई पार्टीशंस नहीं है। सेम सेल में बहुत सारी रिएक्शंस अलग अलग जगह हो रही है, और रूम की तरह यहाँ भी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एक रिएक्शन में सेल ऐसा कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो क्रोमोसोम्स को डैमेज कर सकता है, और जिससे सेल एक्चुअली मर भी सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स को ये रियलाइज हुआ और उसने डिसाइड किया कि उससे अपने स्ट्रक्चर में कुछ सीरियस चेंजेस करने होंगे, और उसे 1.5 बिलियन ईयर्स लगे इन चेंजेस को करने के लिए। और फाइनली प्रोकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हुआ एक अपग्रेडेड वर्जन में, जिसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सारे चेंजेस में प्रोकैरियोटिक सेल ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया, वो था अपने कंपोनेंट्स के अराउंड बाउंड्री बनाना। फॉर एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स फ्रीली फ्लोट करते हैं, लेकिन अपग्रेडेड यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव केस होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ, अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में कहे तो इवॉल्व हुआ यूकैरियोटिक सेल में। कंपोनेंट्स के अराउंड बाउंड्रीज या मेम्ब्रेन्स होने के साथ साथ प्रोकैरियोट्स में और भी बहुत सारे अपग्रेड्स थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के बनते ही अपग्रेडिंग रुकी नहीं। डिफरेंट एनवायरमेंट्स और कंडीशंस में अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए यूकैरियोटिक सेल को और भी कई चेंजेस से होकर जाना पड़ा, और वो चेंज होते होते बहुत सारे डिफरेंट प्लांट और एनिमल सेल्स में इवॉल्व हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में कॉमन है। तो क्विकली समराइज करते हैं हमने जो पढ़ा है। हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव सेल्स थे, और टाइम के साथ साथ ये एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल्स में अपग्रेड हुए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, और स्पेसिफिकली कहे तो इसमें क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने वाली प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और हम यही डिफरेंस यूज करते हैं सारे सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। इस मेन डिफरेंस के साथ साथ, जिसके बेसिस पर हम सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। Watch the next video to know what these are. I'll see you next time.